कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने अकेला पड़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बोल दिया गया है कि कश्मीर भारत का अपना निजी मामला है। वहीं पाकिस्तान की बौखलाहट हर रोज सामने आ रही है। हर रोज पाकिस्तान का कोई ना कोई नेता या फिर सेना का अधिकारी भारत को धमकियां दे रहा है। अब पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जंग की धमकी दी है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने। हम देख रहे हैं कि मौजूदा कश्मीर में जो जुल्म सितम है उससे तवज्जो हटाने के लिए इस बात के अलावा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है जिसकी प्राइम मिनिस्टर भी बात करते हैं, या कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे इश्तेआल अंगेजी हो सकती है, तो इस सिलसिले में भी अगर कोई ऐसा कदम हुआ तो पाकिस्तान इंशाल्लाह भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान की अफवाज और 22 करोड़ अवाम मकबूजा कश्मीर के हवाले से किसी भी किस्म के हालात के लिए तैयार, तो वार फाइटिंग बिकम्स एन ऑप्शन बाय कंपल्शन इफ नॉट बाय चॉइस। कश्मीर हमारी शहराग है, इसके लिए हम कदम और किसी भी इंतहा तक जाएंगे, ख्वाहिश की हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान पुरअज़्म हैं और पुरअज़्म रहेंगे। आखिरी गोली, आखिरी सिपाही, आखिरी सांस तक इंशाल्लाह। नाउ दिस इज अप टू इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेक द चॉइस। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तानी सेना ने यह साफ किया है कि परमाणु हथियारों को लेकर वो पहले इस्तेमाल नहीं करने की किसी नीति का पालन नहीं करते। गफूर की ये टिप्पणी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की उस टिप्पणी के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका देश भारत के साथ कभी कोई युद्ध शुरू नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।